गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सब लोग। आज हम सुबह 11:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिए हैं, तो आज आप लोगों को दिखाएंगे हम लंच में क्या क्या बना रहे हैं, और साथ में और एक एक्साइटिंग चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैं घर में होममेड लिप बाम बनाती हूँ, तो वही आज मुझे फिर से बनाना होगा, मेरा ख़त्म हो गया है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे इसको तैयार की हूँ घर के ही सामान से। घर में मौजूद जो सब सामान रहता है उसमें कैसे हम यूज़ करके ये सारा कुछ बनाए हैं तो ज़रूर दिखाएंगे। तो वेलकम टू लाइफ लाइन, साथ में रहिए, देखिए क्या क्या लंच में प्रिपरेशन करते हैं और फिर लिप बाम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए पहले दिखा देती हूँ मेनू में आज क्या क्या है, क्या मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ जीरा राइस, आज लंच के मेनू में है, तो उसके लिए राइस मैं धो के ड्रेन करके रख दी हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पपीता का एक सब्ज़ी, जो पपीता ग्रेट करके ऐसे रख दिए हैं, एक मीडियम साइज़ का पपीता है, इसके आलू, इसमें आलू भी पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सब्ज़ी बनता है। सारा प्रिपरेशन मैं बताऊँगी और जो जो मसाला इसमें लगेगा, और मैं कढ़ाई मशरूम बनाऊँगी। इसके लिए मशरूम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, और अभी इसमें एक जो जो मसाला लगेगा, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, और 2 मीडियम साइज का अनियन ऐसे कट कर लिए हैं, और 1 मीडियम साइज का टमाटर। और इसके बाद मैं आलू स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए ये पपीता में देने के लिए, और अनियन कैप्सिकम ये भी स्क्वायर पीस में, और आलू भी मशरूम के लिए कट किए हैं। अभी मैं पहले जीरा राइस बनाने के लिए जो पहले तड़का लगाना होगा वो कर रही हूँ, गोटा जीरा और एक बड़ा तेज पत्ता मैं डिवाइड कर ली हूँ मिडिल से 2 पार्ट करके, और इसको थोड़ा सा ऑयल में सौते करेंगे, और ऑयल इसमें मैंने दिए हैं 2.5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। उसके बाद जो चावल मैंने धो के रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। सारा ऐड कर देने के बाद इसको हम अच्छे से सारा मिक्स कर देंगे। इसके बाद फिर हम नमक और गरम मसाला जो पाउडर है, मेरा आज घर में बना हुआ गरम मसाला पाउडर ख़त्म हो गया, इसलिए मैं सनराइज़ का ही गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं नमक 2 टीस्पून ऐड करूँगी लगभग। अब इसके बाद जब मैं पानी ऐड करूँगी इसमें, तब मैं दोबारा फिर उसमें नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी, और 1/2 टीस्पून के करीब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इस समय, और बाकी जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा उस समय भी थोड़ा गरम मसाला ऐड करना होगा। अच्छी तरह से इसको सौते करने के बाद मैं इसमें जिस कप से मैंने मेजरमेंट करके राइस लिए थे वही कप से, मैंने ये 1 कप के करीब राइस लिए थे, तो इसमें मुझे जस्ट डबल पानी देना होगा, और ये पानी आप गरम भी हल्का गरम दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं 2 कप देखिए पानी इसमें डाल रही हूँ, सेम मेजरमेंट का मैंने ये 1 कप यहाँ पे राइस लिए थे, इसीलिए 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिए। और मैंने जो चावल यूज़ किए हैं वो है बासमती राइस, जो फ्लेवर वाला एक आता है, छोटे छोटे दाना रहता है उसका, वो वाला चावल मैंने यूज़ किया, वही ज़्यादा बेहतर रहता है जीरा राइस के लिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि पानी दिए हैं तो नमक थोड़ा सा लगेगा ही। सारा कुछ ऐसे थोड़ा सा मिक्स करके पानी फिर से मैं नमक ऐड करूँगी 2 टीस्पून, और इसको कवर करके लिड से छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। उबाल जैसे ही आ जाएगा तो फिर बताऊँगी क्या करना है। फिर मैं गैस में वो कढ़ाई मशरूम के लिए
मसाला रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं सब्जी मतलब ये आलू को फ्राई कर ले रही हूँ और मशरूम को। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल मैंने ऐड कर लिए हैं। सारा आलू को मुझे फ्राई करना है इसमें, और फ्राई करते टाइम हम थोड़ा सा नमक और पिंच ऑफ टर्मरिक मतलब हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून से भी कम हम हल्दी पाउडर ऐड किए हैं। ये अच्छे से भूज लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद मेरा इधर राइस एक उबाल आ गया था, तो मैंने गैस जो इसका पावर है वो कम करके, ओवन का पावर करके कम करके फिर उसको हम ढक दिए हैं। और अभी मैं मशरूम को फिर फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर रही हूँ। इसमें भी नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये चावल मेरा लगभग रेडी हो चुका है, तो मैं गैस ऑफ करके थोड़ी देर के लिए लिड बंद करके छोड़ दूँगी। और जो मसाला मशरूम के लिए रेडी किए हैं उसमें मैं सबसे पहले गरम मसाला ऐड किए हैं, गोटा गरम मसाला और अनियन अदरक लहसुन पेस्ट और टमाटर और हल्दी नमक। राइस मेरा बन गया है, देखिए एकदम रेडी हो गया है। अभी लास्ट में मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग टच करना होगा, कि उसमें फिर से मैंने बताए थे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हाफ टी स्पून से भी कम हम चीनी ऐड करेंगे, और उसके बाद हाफ टी स्पून घी। ये घी और गरम मसाला जब देंगे उसके बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आता है, इसीलिए मैं घी ऐड कर रही हूँ। वरना अगर कोई इतना ऑयल या घी पसंद नहीं करते हैं तो घी को स्किप कर सकते हैं यहाँ से। तो सारा कुछ ऐड करने के बाद मैं लिड से कवर करके रख दूँगी, और ये जो मेरा जो भी खुलती है वो अंदर ही रख दिए हैं ताकि पूरा ना कवर हो। और जो मसाला मैंने फ्राई किए हैं सारा, देखिए फ्राई हो गया है। इसको अभी मैं मिक्सी में पेस्ट करूँगी। पहले मैं फ्राई कर ली हूँ गरम मसाला जो मैंने ऑयल में तड़का लगाए थे ये मसाला बनाते टाइम, वो है दालचीनी, छोटा इलायची, लौंग और गोटा गोलमरीच, सूखा मिर्च और ज़ीरा। ये देखिए मेरा पेस्ट रेडी हो गया। अभी कढ़ाई में फिर से मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि पहले से ही मसाला में ऑयल है, उसमें भी ऑयल है, आलू में भी, इसलिए कम ऑयल अभी दे रही हूँ, फिर कम से कम। और उसके बाद अनियन धीरे धीरे इसमें डाल के हल्का सा सौते कर लेंगे। थोड़ा सा जैसे ही कलर इसका चेंज हो जाएगा तब मैं उसमें वो पेस्ट किया हुआ मसाला वो ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें जो हम मसाला बनाए हैं उसमें हम गोटा जो काली मिर्च का दिए थे और एक लाल सूखा मिर्च भी 2 हम यूज़ किए थे तड़का लगाते टाइम, इसीलिए ग्रीन चिली और अलग से नहीं दिए हैं, तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। मेरे घर में उतना तीखा पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोग चाहे तो दे सकते हैं। देखिए मेरा थोड़ा सा जैसे हल्का फ्राई हो गया कैप्सिकम और अनियन, तो मैंने इसमें वो पेस्ट किया हुआ मसाला ऐड कर दिए। और ये कैप्सिकम और ऑनियन जो है ये कैसे आपको कट करना होगा, जो चिली पनीर बनाते हैं ना या फिर चिकन चिली बनाते हैं उसमें जैसे डाला जाता है क्यूब्स के तरह, उस हिसाब से यहाँ पे भी कट करके देना है। और जो मिक्सी में मैंने मसाला का पेस्ट बनाया है उसमें थोड़ा पानी ऐड करके वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत मसाला उसके अंदर रह जाता है तो वो फिर फेंकना सही नहीं होगा इसीलिए। और
कोई भी सब्ज़ी में मैं ज़्यादातर गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा गर्म पानी पहले से ही बना के रख दिए हैं, हल मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वार्म वाटर जो आप उसमें जहाँ थोड़ा सा भी पानी डालना हो तो मैं वो गर्म पानी यूज़ करती हूँ। तो इसमें अभी मैं धीरे धीरे मसाला ऐड करूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और उसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये सारा कुछ हल्के से सौते कर लेंगे और जैसे थोड़ा सा इसका कच्चापन तो उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगेगा, तब इसमें हम जो भुजा हुआ आलू और मशरूम है वो ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हल्का सा हम चला लेंगे, 2 मिनट 1 मिनट ऐसे इसको सौते करना होगा। उसके बाद मैंने जो गर्म पानी करके रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। लगभग 2 कप लगभग हमने यहाँ पे पानी ऐड किए हैं। अच्छा, और एक बात, ये जो मसाला हम बनाए हैं भूजते टाइम हम हल्दी और नमक ऐड कर लिए थे, इसीलिए भूजते टाइम और नहीं ऐड किए। अभी जब पानी दिए उस समय फिर थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब नमक हम ऐड किए, क्योंकि हम आलू जो फ्राई किए थे, मशरूम फ्राई किए थे, उस सब में हम नमक दिए थे। तो मेरा ये जो गैस में दूसरा एक ओवन है अलग है, वहाँ पे साइड में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें मैं पपीता का सब्ज़ी बनाऊँगी, इसीलिए कढ़ाई ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने 1.5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और 1/2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ और तड़का में सूखा मिर्च एक और 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेज़पत्ता और फिर आलू जो कट करके रखे थे उसको फ्राई करने देंगे। इसमें भी हम नमक डालेंगे लेकिन हल्दी नहीं डालेंगे, हल्दी इसमें उतना नहीं पड़ता है। इसको थोड़ा लिड को ढक करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम लिड हटा के एक बार देख ले रहे हैं। थोड़ा सा आलू का जैसे ही कलर चेंज होगा, हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तो मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश किया हुआ अदरक। अदरक पेस्ट से ज़्यादा इसमें क्रश किया हुआ अच्छा लगता है। मैं इसमें ये अदरक को मतलब जिंजर को क्रश किए हैं। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर इसको थोड़ा सा सौते करने के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं इसको करेंगे तो फिर इसका मसाला जो है जलने लगेगा। अभी मैं वो पपीता इसमें ऐड कर दे रही हूँ सारा और अभी फिर इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून और पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। ये सारा कुछ अच्छी तरह से मैं मिला के फिर लिड से कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और गैस को सीम करके, मतलब गैस को लो फ्लेम में, मीडियम से भी कम फ्लेम में रखना होगा, नहीं तो नीचे से ये लगने का चांसेस है। देखिए मेरा कढ़ाई मशरूम रेडी हो गया है। अभी इसमें लास्ट फिनिशिंग करना होगा, धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे ऊपर में। देखिए बन गया मेरा कढ़ाई मशरूम, बहुत टेस्टी और इतना अच्छा इसका सुगंध जो निकल रहा है वो तो मैं वीडियो में नहीं दे सकती हूँ। पपीता भी मेरा 2 मिनट ओवर हो चुका है, तो मैं एक बार फिर से इसको पलटी कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको कवर हटा के एक बार फिर इसको चलाना होगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो है वो ऊपर में आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, तो अच्छे से ये सौते होगा और सारा मसाला पूरा पपीता के अंदर ऐड हो जाएगा। ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी, और पपीता ऐसे भी खाना चाहिए। और इसमें हम गरम मसाला ऐड कर दिए,
फिर से थोड़ा सा लीड से कवर करके 2 मिनट के लिए, फिर हम लीड हटा के इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और इसमें हम थोड़ा सा चीनी ऐड कर रहे हैं और एक बार फिर से गरम मसाला ऐड कर दिए। देखिए मेरा पपीता रेडी हो गया है, ऊपर से हम थोड़ा सा घी ऐड करके इसको भी। ये लंच पूरा रेडी हो गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने, उसके बाद फिर आके आप लोगों से बात करूँगी। और आप लोगों को बताया थे ना शुरू में ही कि लिप बम हम दो बनाए हैं, तो ऐसे भी हम बनाते हैं, तो मेरा ख़त्म हो गया था तो इसीलिए हम सोचे कि मैं इस बार जब बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वही हम 2 लिप बम बनाए हैं, उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे बनाए हैं। और अभी फ़िलहाल एक बार देख लीजिए कि फाइनल क्या क्या हम बनाए हैं रेसिपी। रायता है, और रायता से स्टार्ट कर रही हूँ पहले, उसके बाद ये पपीता का सब्ज़ी जो दिखाए थे आप लोगों को, और कढ़ाई मशरूम, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और रोटी, आज रोटी का फरमाइश हुआ था चावल के साथ, इसीलिए रोटी भी बनाई हूँ, और ये जीरा राइस। और लास्ट में और एक चीज़ ऐड है कि गर्मी का सीजन है, वो होना चाहिए संडे के दिन, आम, रसीला आम। आम मुझे बहुत पसंद है, जहाँ आप लोगों को भी शायद आम बहुत पसंद होगा, क्योंकि आम है ही ऐसा फ्रूट। तो चलिए आज का मेन्यू यही है। अभी मैं आप लोगों को जो लिप बम बनाने के लिए बोले थे वो दिखा रही हूँ। ये है कैरेट जूस, गाजर का जूस, और ये है बीटरूट का जूस। ये दोनों से मैं बनाऊँगी, और इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा वो मैं बता दे रही हूँ। ये है ग्लिसरीन, जो ग्लिसरीन हम लोग यूज़ करते हैं स्किन के लिए, वही ग्लिसरीन, और वेसलीन, और ये है कोकोनट। मैं ये वाला कोकोनट यूज़ करती हूँ, तो यही आपको दिखाई हूँ। और 2 टूथपिक, ये किस लिए लगेगा बता दूँगी। और मेरे पास ये 2 लिप बाम का छोटा छोटा जार था, कंटेनर था छोटा, तो मुझे लगा इसी में रखना अच्छा रहेगा, तो इसीलिए इसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक चीज़ लगेगा, एलोवेरा जेल, जो मेरे पास एलोवेरा जेल ख़त्म हो गया है, तो इसकी वजह से मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड नहीं कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, बिना एलोवेरा जेल का भी अच्छा ही बनता है, लेकिन एलोवेरा जेल डालने से ना तो डाइल्यूट सब कुछ अच्छी तरह से होता है, तो क्रीमी टेक्सचर जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से बनता है। तो मैंने ऐसे स्पैटुला मेरे पास अभी फ़िलहाल कहाँ पर रखे नहीं मिल रहा था, तो स्पून की जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें से हम ऐसे जो वेजलिन है उसको ले रही हूँ, मतलब 1 टीस्पून करीब आप लीजिए। और ये जितना भी, ये देखिए ये लगभग 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ये कैरेट जूस है, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें। थोड़ा सा बच गया है, उसको रख दी हूँ। और एकदम बहुत कम ग्लिसरीन मैं ऐड कर रही हूँ, ग्लिसरीन ऐसे प्लेन तो कहीं पे लगाए नहीं, किसी के साथ ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो मॉइस्ट रहता है इसके लिए। और इसमें देखिए मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ही मैंने ऐड किए हैं, 1/2 टीस्पून से कम ग्लिसरीन, और कोकोनट ऑयल ये भी मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए 3-4 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा गिर जाएगा इसके वजह से, हम बहुत धीरे से निकाल रहे हैं। मैं देखिए जस्ट 3 ड्रॉप इसमें डाल रही हूँ बस। और इसके बाद 1/2 टीस्पून से भी कम वो आप एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिएगा।
ठीक है, तो इससे क्या है उसमें क्रीमी टेक्सचर अच्छे से आएगा और डाइल्यूट करने में भी आसानी होगा। मुझे थोड़ा मिक्स करने में टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मतलब उसको चलाना पड़ा तब जाके ये क्रीमी टेक्सचर रेडी हुआ है। ये देखिए बन गया है। अच्छा, और एक चीज़, एक ग्लिसरिन के अलावा आप ठंडे के दिन में जब कोकोनट ऑयल जम जाता है ना, उसके साथ भी ग्लिसरिन के बदले में उसको भी डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा गाजर का ये मतलब कैरोट जूस का लिप बम बन के तैयार है। सही बोल रही हूँ, ये लोग ये आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है, होममेड है। अभी तो सब कोई घर में ही है तो हर टाइम आप लगा सकते हैं, रात को सोते टाइम स्पेशली ये लगाया कीजिए। तो जो बीट रूट का है वो मैं वीडियो थोड़ा सा लेंदी ना हो इसके वजह से फर्स्ट फर्स्ट मैं दिखा दे रही हूँ। वही सेम क्वांटिटी में सब कुछ लेना है और सेम प्रोसेस है, वैसे ही फिर उसको डाइल्यूट करना है। सिर्फ मेरे पास यहाँ पे एलोवेरा जेल मौजूद नहीं है, वो आप यहाँ पे स्किप हो गया है, तो वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। उसके बिना भी बन सकता है, वो मैंने दिखा दिया, लेकिन वो ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लिप बाम बनाए उसके बाद हम थोड़ा सा लेट गए थे, फिर जो उठ के मम्मी को थोड़ा टहलने के लिए लेके गए थे। अभी फिर वापस आके थोड़ा सा नाश्ता, मैगी बना रही हूँ और साथ में चाय। ये बनाने के बाद फिर थोड़ा देर बैठेंगे, फिर डिनर का प्रिपरेशन, जो पपीता का सब्जी रखे हैं वो है, और देखते हैं रोटी पराठा जो भी होगा। तो आप लोगों को ये जो बताए ना लिप बाम का, जो रेसिपी मैंने बताया लिप बाम कैसे घर में बना सकते हैं, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली बनाने के बाद उसको फ्रिज में रख दी थी, तो कैसा वो हो गया, मतलब फ्रिज में सेट कैसे हो गया। तो बीच में थोड़ा सा ना पावर भी कट हो गया था, फिर भी देख एक बार ला के आप लोगों को ज़रूर दिखा रही हूँ कि कैसे मतलब सेट हुआ है। ये देखिए दोनों जैसे बताए थे वैसे रेडी हो गया है, जम गया है। ये देखिए। अच्छा, लिप बाम में आप लोग इसको फ्रीज में रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठंडा के मौसम में ऐसे फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं होता है, वो बाहर ही ठीक रहता है। लेकिन अभी जो इतना गर्मी वेदर है, जैसे है मॉइस्ट है, तो इस समय फ्रिज में रखना ही ज़्यादा बेहतर है। तो अभी झट से मैं जो मैगी बनाने वाली हूँ वो बना लेती हूँ, चाय भी बनाना है। तो दिन का ज़्यादा समय किचन में ही बीतता है, और जब ऑफिस रहता है ना उस समय सुबह सुबह जैसे जितना जल्दी हो सके सारा कुछ बना के फिर ऑफिस से जब वापस आती हूँ, आने के बाद फिर फ्रेश होके फिर किचन में ही समय बीतता है। और ऐसे भी मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, खास करके तरह तरह का डिशेस, जो भी नया कुछ सीखती हूँ किसी से, कोई नया डिश मतलब कहीं पे टेस्ट किए या फिर कोई होटल में जाके भी टेस्ट करते हैं, तो मैं ज़रूर उसका मतलब क्या उससे कैसे बनाए हैं वो ज़रूर जानने की कोशिश करती हूँ, वो घर में ट्राई करती हूँ अगर पॉसिबल है तो। चाय मेरा बन गया है। देखिए पूरा पसीना हो गया है, चाय नाश्ता सारा कुछ बन गया है, और अभी मैं सबको चाय नाश्ता दे दूंगी, खुद भी करूंगी, और उसके बाद फिर थोड़ा देर बैठूंगी, बैठ के थोड़ा सा वीडियो भी एडिट करना है, सारा कुछ करने के बाद फिर जाके डिनर का प्रिपरेशन करूँगी। तो गाइस वीडियो यहाँ पे ही मैं एंड कर रही हूँ, और ज़्यादा आज लंबा वीडियो नहीं करूँगी। तो कैसा लगा मेरा जो लंच का प्रिपरेशन, जो बताए आप लोगों से शेयर किए मेनू, और
जो लिप बम हम बनाए, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक और फ्रेंड्स लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को, नए देख रहे हैं, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।